Hello everyone, I am Dr. Vikas Modi. I am consultant orthopedic in Neodia Getwell Multispeciality Hospital. कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे शुभ्रा वर्मा. इनको लेफ्ट नी में बहुत दर्द था और इनकी दिक्कत काफी 2-3 महीने से थी. इनको चोट लगी थी तो इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया था. फिर हमने जब इनका MRI वगैरह करा के देखा तो उसमें ऑस्टियोबोनाइटिस डेसिकेंस आया था. उसमें होता क्या है, उसमें कार्टिलेज लेयर होती है घुटने के अंदर जिसका डैमेज हो जाता है चोट लगने की वजह से. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्टिलेज इम्प्लांट करते हैं और वो चीज हम दूरबीन से पहले देख के कंफर्म करते हैं कि किस लोकल एरिया पे है और उसके बाद उसको हम एक अच्छे एरिया से जो नॉन वेट बेरिंग एरिया होता है वहां से निकाल के उसको हम इम्प्लांट करते हैं. अब हम जानेंगे पेशेंट से कि पेशेंट का कैसा पूरा प्रोसेस रहा है, कितनी दिक्कत थी उनको और कैसा उनका सर्जरी का एक्सपोजर रहा है और आज उनकी कैसी कंडीशन है. नमस्ते डॉक्टर. तो मेरा एक्चुअली 4 सितंबर मेरा बीत चुकी थी. तो मैं एक्चुअली कुछ देर में नौकरी करती तो उधर ही डॉक्टर को दिखाया. डॉक्टर कर दिया प्लास्टर करने के बाद 17 डेज रखा था. तो उनके बाद उन्होंने बोला जे चलो ठीक है तुम चल सकते हो. तो दूसरा कोई एक्सरे वगैरह कुछ करना नहीं चाहिए, सब ठीक है, आराम से चलो. पर मैं जब भी वो उधर से प्लास्टर करके घर चले आई तो देखो कुछ नहीं ठीक लग रहा है. पहले जैसे थे उसके ज्यादा दर्द हो रहा था. तो उसके बाद मैं इधर छुट्टी पे चले आई सिलीगुड़ी में. आने के बाद ही सोचा तो मेरा दर्द तो नहीं कम रहा है तो मैंने पर्सन किया डॉक्टर भुटिया सर को. सब तो डॉक्टर भुटिया सर बोला तो ठीक है आप एडमिशन हो जाइए. हमारा इधर 40 से न्यू डॉक्टर आए डॉक्टर विकास मोदी, उन्होंने आपको देखे गए ठीक है. तो मेरे हस्बैंड के साथ कंसल्ट किया उन्होंने तो आप देखने के बाद MRI किया, एक्सरे किया, आपने थोड़ा टाइम लिया तो ऑपरेशन के लिए तो मुझे हसला बढ़ाया है. तो आपके कोऑपरेट से मेरा पाँव तो आज ठीक चुका हूँ. मैंने सोचा कि मैं चल ही नहीं सकती कभी है. मुझे वॉकआउट वगैरह देखने के बाद बहुत डर गई थी मैंने. जो मेरा ऐसे लगेगा कि मैं वो दूसरा जो आदमी चल रहा था मैं सोचा मैं हैंडीकैप्ट हो गई. तो आपका ट्रीटमेंट से आपका कोऑपरेट से मैं आज फुल्ली तरह से एकदम क्योर हूँ. थैंक यू.